हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नितिन दुबे ऑफिशियल चैनल से बर्बाद 2 तैमोला भूल जा ओके ऑफिशियल वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिमांशु कहाँ जाता है? अरे जाने वाला टुका नहीं जाए काजल मैडम, मैं तो अपराधी हूँ आपकी नजर में। बोला पता चली कि वो दिन जब पापा के ऊपर गुंडा मन हमला करी, तब पापा की ड्राइवर जिन तोर दोस्त रही वो तोला फोन करके बुलाईस, लेकिन जब पुलिस वाला मन मोला फोन करके बुलाईस, तब पापा के लाश के साथ तोला देख के बोले तोरो पापा की झगड़ा याद आ गई और मैं तोर ऊपर इल्जाम लगा डाल रही हूँ और तोला फांसी की सजा होगी। लेकिन जब बाद में सीसीटीवी फुटेज पुलिस ले मिली तब बोला अपन गलती के एहसास हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सिमान से, प्लीज बोला माफ कर दे। अरे मैडम जी, आप मन बड़े घर के हो, पैसा वाला हो, आप मन का और माफी मांगा था? अरे गलती तो मोर है कि मैं गरीब हूँ जिन अपन औकात भूल गिरी से। बोला भूल जाओ मैडम, बोला भूल जाओ। खुदा तू किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे उसे मगर बदनसीबी न दे। बंगला ना तो रुपया बगिया के फूलते जमीन के धूल में तुर जिंदगी के काटा हो साथिया। बड़े घर के बेटी तैन छठ गरीबा में गाड़ी बंगला ना तो रुपया बगिया के फूलते जमीन के धूल में तुर जिंदगी के नाज से पले सो आराम तले तोला सुख मिले सदा रब से है दुआ। मैं हो दिल जला दुनिया से चला मया दू तोला अलविदा जाने जा दिलरुबा जाने जाते मौला भूल सब बहुत यही है।
के उत्तर से दक्षिण के नामुमकिन है जैसे मिलना, जैसे नदिया के धारा संग मिले ना किनारा, बहे नहीं उल्टा झरना। पूरब से पश्चिम के उत्तर से दक्षिण के नामुमकिन है जैसे मिलना, जैसे नदिया के धारा संग मिले ना किनारा, बहे नहीं उल्टा झरना। मूल्य हो के जुदा, मूल्य हो के खफा, जीना पड़ ही आबाद रहे तोर दुनिया। तै आसमां मैं हो जमी, मुर से दिल न लगा, जाने जा यार। भाई यही कहते हैं, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, इसीलिए कोई भी काम मतलब सोच समझ के करना चाहिए, है ना। किसी पर भी इल्ज़ाम सोच समझ कर लगाना चाहिए भाई। ये होता है यार, देखो सामने उसका बाप मरा पड़ा था, ठीक है, तो लड़की भी कंफ्यूज थी, उसने इल्ज़ाम लगाया, बट बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वो माफ़ी मांगने आई थी। बट ये यार ये भी होता है कि हाँ, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर उस पर किसी ने ठेस पहुँचाई तो फिर लोग माफ़ करना बहुत कम जानते हैं, सीरियसली। तो मतलब यहाँ कौन सही था कौन गलत, ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो वापस आई उसके पास, उसने माफ़ी भी मांगी, उसने दोस्ती करनी चाहिए दोबारा से, बट यही है कि हाँ, एक बार ये वो कहावत होता है ना कि हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही है, किसी पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, है ना, काफ़ी मुश्किल होता है। एक बार किसी को अगर मतलब धोखा कोई मिल जाए तो फिर दोबारा बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो संभल पाते हैं, जो मूव कर पाते हैं यहाँ पे। बट एक चीज़ मुझे ये था कि हाँ, नौकरी छोड़कर चला जाता है भाई, मरने की क्या ज़रूरत थी। दुनिया में सिर्फ एक ही दो लड़कियां थोड़ी ना है, बहुत सारी लड़कियां थी, तुम्हें कोई ऐसी और अच्छी लड़की मिल जाती जो डिज़र्व करते थे तुम, है ना, कुछ। बट वही है भाई, क्या ही बोलें, अभी क्या बताएं। वो भी अपने बेचारे दुख से जूझ रहा था, है ना, उसे हर जगह वही नज़र आ रही थी, तो अपने प्यार को दबा रहा था और वो प्यार उससे दबाया नहीं गया, बस। खैर, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब सॉन्ग है यार, क्या रोमांटिक सैड सॉन्ग है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। और एक स्टोरी थी इस पूरे गाने में, मतलब एक सिंगल गाने में इतनी बड़ी स्टोरी, सोचो, मतलब बहुत बड़ी बात है यार ये। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।